FUE Max टेक्निक के फायदे। हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल हूँ और आज मैं बात करूँगा कि FUE Max टेक्निक ही क्यों बाकी टेक्निक से बेटर है, क्योंकि कई बार लोग आते हैं अलग अलग टेक्निक्स के नाम लेके कि हम ये वाला टेक्निक से क्यों नहीं कर लें। तो जो मेरा टेक्निक है वो मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है, इफ़ नॉट द बेस्ट। तो क्यों है वो है, एक तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आपके जो भी ट्रांसप्लांट हो वो ज़िंदगी भर उगे परमानेंट हेयर की तरह। दूसरा, बिल्कुल हम ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हेयर आपको मिले ताकि मैक्सिमम मल्टी हेयर ग्राफ्ट चुने जाएं, वो भी FUE Max में ध्यान दिया जाता है। तीसरा, लुक बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कॉबल स्टोनिंग हो रहा है, जहाँ ग्राफ्ट लगा है वहाँ उबड़ खाबड़ हो रहा है, फिंसी जैसा हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ध्यान आपके स्टेम सेल्स का और आपकी हेयर रूट्स का भी FUE Max में दिया जाता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आएगा। तो वन टॉपिक एट ए टाइम, FUE Max सबसे ज़्यादा सेफ टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि उसमें जब हम ग्राफ्ट लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके परमानेंट डोनर एरिया से लेते हैं। अब ध्यान रखिए, परमानेंट डोनर एरिया वो एरिया होता है इतना सा, वो इस यहाँ तक नहीं जाता। कई बार मैं देखता हूँ लोगों के यहाँ से भी बाल लिए होते हैं, जैसे एक क्रिकेटर का लिया था एक कंपनी ने, यहाँ से बाल लेके लगा दिए थे और फिर दो साल बाद बाल चले गए, तो वो वाले बाल परमानेंट नहीं होते। तो FUE Max में हम सिर्फ आपके परमानेंट बाल लेंगे, आपका परमानेंट वाला बाल सिर्फ वो हिस्सा है जो आपके फैमिली का सबसे गंजे इंसान का अभी भी उग रहा है, उसके अलावा आपके दाढ़ी के बाल हैं और बॉडी के बाल, वो तो परमानेंट होते ही हैं। तो FUE Max में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, FUE Max में मैं कहता हूँ यू गेट मैक्सिमम हेयर। कारण बहुत सिंपल है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं FUE Max में ग्राफ्ट निकालते हैं तो हम चुन सकते हैं कि मुझे एक बाल वाला ग्राफ्ट निकालूं, दो वाला वाला, तीन वाला, और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मल्टी हेयर ग्राफ्ट्स हो। अब वो जो पुरानी स्ट्रिप टेक्निक थी, या अगर ये चीज़ का ध्यान नहीं दे कोई या बोले कि हम रोबोट से करेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं की जा पाती। तो हमने सिलेक्ट करना होता है ताकि आप चाहे 3000 ग्राफ्ट का प्रोसीजर का पे कर रहे हो लेकिन बाल आपको 6000 या उससे ज़्यादा मिले, यानी फॉलिकल्स 6000 या मोर मिले। तो इससे, इस तरह से मैक्सिमम डेंसिटी भी FUE Max टेक्निक से आ पाती है, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट और कोई कॉबल स्टोनिंग नहीं, ये FUE Max का खासियत है। और ये चीज़ होती है जो कि डायरेक्ट ट्रांसप्लांट जो करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होता ही है कि कॉबल स्टोनिंग होगा या फिंसी पिंसी जैसा होगा या अजीब लगेगा, तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं, वो ख़राब टेक्निक होता है। जब ग्राफ्ट निकलता है तो उसके आसपास एक्स्ट्रा स्किन होती है जिसको रिमूव करना होता है, वो रिमूव करके तभी ग्राफ्ट को चेक करके उसको जीन थेरेपी सीरम में डाल के ताकि स्टेम सेल उसके स्ट्रॉन्ग हों, उसके बाद हम ग्राफ्ट लगाते हैं और वही बेस्ट तरीका है। एंड लास्ट, FUE Max में एक बहुत पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं हम, हर किसी का ऐसे नहीं कि आप देखो कि डॉक्टर ने ऐसे एक लाइट लगाई, यहाँ से लाइन बन गया और बोल दिया ये आपका हेयर लाइन, नहीं, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड तरीके से होगा। आपका हेयर लाइन कैसा चाहिए, आपके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा हेयर लाइन सूट करेगा, आपको राउंडेड हेयर लाइन चाहिए या आपको पीक चाहिए जैसे ऋतिक रोशन के, सारा चीज़ें उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में आता है। तो उसमें कहाँ पे कौन सा बाल चाहिए होगा, कहाँ पे सिंगल चाहिए, कहाँ पे दाढ़ी का बाल लगेगा, ये सारा चीज़ें FUE Max में हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड वे में बनाते हैं। तो ये कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम FUE Max टेक्निक ही प्रेफर करेंगे, कभी भी इम्प्लांटर यूज़ नहीं करना है हेयर ट्रांसप्लांट में। इम्प्लांटर एक पुराना आउटडेटेड मेथड होता था जिसमें आप पूरे ग्राफ्ट को एक स्टील की सुई पे रखते हो, रूट को इंक्लूडेड, और फिर ज़बरदस्ती स्किन में घुसाते हो। कोई कॉमन सेंस में भी सोचेगा तो इसमें डैमेज होगा ही होगा। ये चाइनीज़ जो मोटे बाल होते हैं उनके लिए टेक्निक बनी थी, तभी इसका नाम भी चोई इम्प्लांटर है, चाइनीज़ के नाम पे बना हुआ है। ये आपके इंडियन बालों के लिए या अंग्रेज़ों के बालों के लिए नहीं है, उसमें बाल डैमेज होता ही होता है। करेक्ट तरीका होता है FUE Max का, उसमें बाल
ग्राफ्ट सिर्फ ऊपर से पकड़ा जाता है, रूट को टच ही नहीं करते हम। रूट को सिर्फ हम जीन थेरेपी सीरम में सोक करेंगे ताकि उसके स्टेम सेल हेल्दी हों, और फिर उसको स्लाइड इन करेंगे स्लिट में, स्लिट जो कि पहले से मैं बनाऊंगा। जब मैं स्लिट बनाऊंगा तो डायरेक्शन एंगल सब देख के, तो उसमें जब स्लाइड होगा ग्राफ्ट परफेक्टली फिट होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऊपर उबड़ खाबड़ करने वाली स्किन नहीं होती, तो रिजल्ट भी बिल्कुल नेचुरल आता है। ये कारण है कि आपको पूरी तरह से बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो FUE Max टेक्निक बेस्ट रहेगा। शुक्रिया।